फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपके सामने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन की चटनी की विधि शेयर करूंगी। अगर आप लोग को मेरी विधि अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना, और बने रहिए ब्लॉग में। दिखाते हैं आपको हम किस तरह चटनी बनाएंगे। देखिए, मैंने टमाटर को इस तरह काटा है, जो ग्रीन वाला था वो निकाल दिया है, और लहसुन बारीक काट लिया, प्याज, हरी मिर्च। अब इस तवे पे हम इन टमाटरों में ऑयल लगाएंगे। दिखाते हैं आपको। देखिए, सारे टमाटरों पे हमें ऑयल लगा देना है, फिर हम इसको इस तवे पे रख देंगे। और इसको अब हम ढक देते हैं, इसको अब हम इसे कवर कर देंगे। गैस कर देते हैं कम, ताकि हमारे टमाटर आसानी से भुन जाएं। ये तवे के ऊपर रखें। हम मिलते हैं अब आपसे 5 मिनट बाद। फिर हम इस टमाटर में थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ताकि ये जल्दी से पक जाए, और हम इसको इससे कवर कर देंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे टमाटर कैसे हुए। देखते हैं टमाटरों का हाल क्या है। ये देखिए, आसानी से इसमें चाकू चला जा रहा है। देखिए, अब हम इसको पलट देंगे। और अब इसी में ही है हम लहसुन भी किनारे किनारे डाल देंगे, ताकि लहसुन भुन जाए। और ये प्याज भी, और ये हरी मिर्च भी। फिर हम इसको फिर से कवर कर देंगे। 5 मिनट हम इसको ऐसे ही भुनने देंगे, फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं, फिर से इसको एक बार फिर से पलट देते हैं इस तरह। बस हमारे टमाटर ये सब तैयार है। अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे, एक एक करके। गैस बंद कर देते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, हमने प्लेट से निकाल लिए। अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। ये ऑप्शनल है, सरसों का तेल आप डाल सकते हैं, और मन नहीं हो तो नहीं डालें, क्योंकि बिहारी डिश में ये तेल पड़ता है, अच्छा लगता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा पुदीना। अब हम इसको मैसर की उससे इसको ऐसे करेंगे, मैश कर देंगे, उसका छिक्कल निकाल लेंगे। देखिए, छिक्कल अलग हो गया, ये बहुत गर्म है। इसका चिकन सारा निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको सब मिक्स कर लिया, बिल्कुल इसका चोखा बना लिया, और इसका छिकल ये है। अब इसको हम बाउल में निकाल के फिर ऊपर से नमक डालेंगे। अब हम अपनी चटनी में थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे, और हरा धनिया हो तो वो भी डाल लीजिए, अच्छा लगता है। और हमारी ये चटनी तैयार है, पराठा रोटी से खाने के लिए। आप सब्जी ना हो फिर भी इससे खाना खा सकते हैं। ये देखिए, आपको मेरी टमाटर की चटनी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे।
आज मैं सो रही थी, सोते सोते लगा मुझे कुछ मीठा खाना है, तो मैं चलो आज बिहारी डिश ये बनाते हैं पुए। आज हमारे यहाँ प्रतीक को बेटी हुई है, उसकी भी बहुत बहुत बधाई प्रतीक तुमको, इसीलिए उसी खुशी में मैं आज पुए बना रही हूँ। चलिए देखती हूँ पुओं में मैं क्या क्या डालूँगी। ये है दूध और ये है 1.5 कटोरी मैदा, चीनी, सूजी और ये ड्राई फ्रूट्स, इसको मैंने कूट लिया है, बादाम, काजू, किशमिश और इलायची। चलिए अब हम इन सबको मिलाते हैं। सबसे पहले हम इस बाउल में मैदा डालेंगे, जो हमने 1.5 कटोरी मैदा लिया है, फिर सूजी, फिर चीनी और ये ड्राई फ्रूट्स। अब हम इन सबको डाल के एक बैटर बनाएंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। चलिए अब हम अपने पुए में दूध डालेंगे थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे हम इसको मिक्स करेंगे। इसमें कम से कम 1 गिलास दूध तो लग ही जाएगा। देखिए ठंडा दूध है, मतलब रूम टेम्परेचर पे, और हम इसको आप इसको पानी में भी बना सकते हैं, लेकिन दूध में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो हम फेंट के 2-3 घंटे के लिए रख देंगे। देखिए थोड़ा सा और डाल देते हैं, बस मैंने अंदाज से ही डाला है, जैसे 1-1.5 गिलास दूध लग गया होगा इसमें। अब हम इस बैटर को, हमारा ये तैयार है, हम अब इसको 3 घंटे बाद देखेंगे। 3 घंटे में हमारे पुए का बैटर फूल जाएगा, क्योंकि इसमें सूजी पड़ी हुई है। फिर हम आपको पुए बना के दिखाएंगे, बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं 3 घंटे बाद। देखिए हमने कढ़ाई रख दी है और हम इसमें रिफाइंड डालेंगे। आप लोग को कढ़ाई काली लग रही होगी, लेकिन मैं इसको साफ़ करती हूँ फिर काली हो जाती है, इसलिए मैंने ये तलने के लिए ही बना दिए। इसमें बरे तलूंगी, वो बरे करी सॉरी पुए तलूंगी, अभी दिखाती हूँ आपको। ठीक, हमारा बैटर फूल के बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसका बैटर इस तरह हो गया है, दूध भी परफेक्ट बैठा। अब हम इसके पुए बनाएंगे, दिखाते हैं आपको। देखिए हम कढ़ाई में पुए डालने जा रहे हैं। गैस तेज कर देंगे और इस तरह उसके ऊपर रिफाइंड डाल डाल के सब सेकेंगे। अब देखिएगा बिल्कुल फूल जाएगा। देखिए पुआ सिक चुका है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। एक और बनाते हैं, ये वाला कितना अच्छा फूल गया। ये सॉफ्ट होते हैं, हर चीज इसमें नाप के डालो, बढ़िया फूल बनते हैं। और आप इसे चाय से या दही के साथ गरम गरम खाएं। देखिए मेरे पुए बनके बिल्कुल तैयार हैं। अगर मेरे पुए की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।